हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टाइम ड्राइव के एक और वीडियो में। मैं अंकुर तनेजा एंड टुडे वी हैव विद अस इज द ऑल न्यू रॉयल एनफील्ड हिमालयन। यस, ये कलर आपने शायद पहले नहीं देखा होगा, तो ये एक नया कलर रॉयल एनफील्ड की इस नए हिमालयन में आने वाला है। एंड हिमालयन 452 और टाइम से लोग इसको बोल रहे थे, लेकिन जो इसके इंजन का नाम दिया गया है दैट इज शेरपा 450। तो क्या डिटेल्स हैं वो, हालांकि स्पेसिफिकेशंस को लेकर इस वीडियो में बात नहीं कर सकते, उस पर फिलहाल अभी एम्बार्गो है। 7 तारीख को स्पेसिफिकेशंस के बारे में अलग से एक और वीडियो आपको टाइम शेयर के हैंडल पर देखने को मिलेगा, लेकिन अभी फिलहाल डिज़ाइन को लेकर थोड़ा बहुत फीचर जो इसमें नया इंस्ट्रूमेंट टेस्ट दिया गया है उसमें क्या देखने को मिल रहा है, थोड़ी बहुत और चीज़ें इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन क्या क्या बदली हैं इस नई रॉयल एनफील्ड हिमालयन के बारे में, सभी के बारे में बात करने वाला हूँ मैं आपसे इस वीडियो में। तो डिज़ाइन से शुरुआत करते हैं। फ्रंट में देखेंगे आप कुछ इस तरह से, यहाँ पे एलईडी हेडलैम्प्स दिया गया है। सेंटर में इसका आरी का बैजिंग देखने को मिल रहा है। एंड जो स्टांस है थोड़ा सा पहले के मुकाबले बदलाव देखने को मिलेगा। ये जो कलर आप देख रहे हैं, आपने पिक्स में ये कलर नहीं देखा, जो रॉयल फील्ड ने ऑफिशियली पिक्स रिलीज़ की थी कुछ दिन पहले, यहाँ पे देखेंगे ब्लैक और एक गोल्डन स्टिकरिंग का इस्तेमाल यहाँ पे करा गया है इसके मडगार्ड में। नीचे ये मैट ब्लैक में इसका ये मेन मड गार्ड दिया गया है। नीचे की तरफ आएँ तो यहाँ पे जिसके टायर्स दिए गए हैं 21 इंच 90 सेक्शन के टायर्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि ऑफ रोडिंग वाले एलिमेंट को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। एंड ये गोल्डन व्हील्स भी यहाँ पे इसमें दिए गए हैं विद स्पोक्स इनसाइड। फ्रंट पे देखेंगे डिस्क ब्रेक दी गई है। एंड यहाँ पे ये प्रोटेक्टर दिया गया है इसके फ्रंट फोक्स के लिए। हिमालयन की बैजिंग यहाँ पे दी गई है। एंड रिफ्लेक्टर्स यहाँ देख सकते हैं। एंड जो फ्रंट शॉक्स हैं वो अपसाइड डाउन शावा के फोक्स देखने को अब इसमें मिल रहे हैं। साइड में आएंगे तो रॉयल एनफील्ड की यहाँ पे बैजिंग देखने को मिल जाएगी। एंड वो प्रोटेक्टर, क्रैश प्रोटेक्टर भी यहाँ पे पहले की तरह ही देखने को मिल रहा है। थोड़ा बहुत डिज़ाइन में यहाँ पे तब्दीली हुई है। इसके अलावा साइड में आएंगे तो टैंक का जो साइज़ है पहले के मुकाबले अब काफ़ी बड़ा लग रहा है। एंड ओवरऑल जो टैंक का प्रोपोर्शन है वो भी यहाँ से थोड़ा स्लीक है एंड यहाँ से थोड़ा सा और मस्कुलर पहले क्वालिटी फील हो रहा है। पहले जो था थोड़ा सा फ्लैट इसका डिज़ाइन था, लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पे ये कर्व कुछ इस तरह से देखने को इसमें मिल रहा है। हिमालयन की ब्रांडिंग बड़ी सी यहाँ पे है। एंड अगेन ये गोल्डन स्टिकरिंग साइड में है, पियानो ब्लैक और ये गोल्डन स्टिकरिंग का यहाँ पे इस्तेमाल इसमें करा गया है। इंजन दिया गया है 452 सीसी का है, लेकिन स्पेसिफिकेशंस क्या हैं वो अभी बता नहीं सकते। एंड इसके अलावा पीछे आए तो एग्जॉस्ट टेल भी देखेंगे। साइड्स देखने में काफ़ी ये चंकी आपको लगेगा, लेकिन यहाँ पे आके पीछे से ये वाला एंगल जो देखेंगे यहाँ पे थोड़ा ये स्लिम हो जाता है। अब एग्जॉस्ट की बात कर रहा हूँ तो आपको इसका एग्जॉस्ट नोट भी सुना देते हैं। सो दैट इज व्हाट्स द ऑल न्यू रॉयल एनफील्ड हिमालयन साउंड्स लाइक। पीछे के टायर की बात करूं तो डिस्क ब्रेक दिया गया है इसमें। एंड जो टायर का साइज है 17 इंच 140 सेक्शन का, बिग चंकी। एंड यहाँ पे देखेंगे टायर का साइज वही ऑफ रोडिंग के हिसाब से डिजाइन भी वो पैटर्न यहाँ देखने को मिल रहा है। एंड सीट्स जो है कुछ इस तरह दी गई हैं, स्प्लिट सीट्स हैं। एंड सीट्स का डिज़ाइन भी थोड़ा बदल गया है। पहले जो था रॉयल एनफील्ड में, हालांकि सीट्स की कुशनिंग ठीक थी, लेकिन जो थोड़ा हिप सपोर्ट था वो थोड़ा सा कम महसूस होता है, लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पे मेरे लगता है डिज़ाइन में भी इन टर्म्स ऑफ सीट भी यहाँ तब्दीली की गई है। एंड रॉयल एनफील्ड की बैजिंग भी यहाँ सीट पर देखने को मिल रही है। लगेज रैक 5 kg मैक्स लोड यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके अलावा एक और जो ऑप्शन है इसका, इसमें आपको पैनियर्स वगैरह सब किटेड मिलता है। उसमें रियन में जो लगेज के लिए उसमें जो है मेटल की प्लेट दी गई है, यहाँ पे प्लास्टिक वाला एलिमेंट है। तो कुछ चेंजेस उस पैनियर वाले वर्जन में भी हैं, तो वो आप भी ऑप्ट कर सकते हैं। पीछे की तरफ आएँ तो ये इसके इंडिकेटर्स आपको मैं हैजर्ड लाइट ऑन करके दिखाता हूँ कुछ इस तरह से। एंड जो इसकी टेल लाइट है वो भी इसके इंडिकेटर्स में इंटीग्रेटेड ही रखी गई है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, कूल लग रहा है नहीं लग रहा, ट्रेस इन कॉमन सेक्शन। एंड पीछे यहाँ पे रॉयल एनफील्ड की बैजिंग इधर देखने को इसमें मिल जाती है। एंड हैंडल बार की बात करूँ तो वही वाइड हैंडल बार यहाँ देखने को मिल रहा है। एंड स्विचेस की बात करें तो यहाँ पे पास स्विच, हाई बीम, लो बीम, इंडिकेटर। यहाँ पे नीचे देख रहे हैं जॉयस्टिक दिया गया है इसके इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंट्रोल करने के लिए। एंड ये कुछ इस तरह से इसका नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखता है। इंफॉर्मेशन आप देख रहे हैं कुछ यहाँ पे है। एंड इस जॉयस्टिक से मैं इसको कंट्रोल करूँगा। सो कुछ इस तरह से यहाँ पे इंफॉर्मेशन ये देखने को मिल रही है। ये 3 पैनल्स यहाँ पे दिए गए हैं। देन देर इज़ अ बटन फॉर होम, पीछे की तरफ ये बटन दिया गया है होम का, उसको मैं प्रेस करूँगा तो देन यू कैन कम बैक टू द होम स्क्रीन। देन ये साइड में बटन देख रहे हैं एम का, इसको मैं लॉन्ग प्रेस करूँगा तो इसका पूरा लेआउट चेंज हो जाएगा। सो
तो जिस तरह से ये लेआउट यहाँ पे अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है, जो इन्फॉर्मेशन आप इस नई रॉयल इनफील्ड के क्लस्टर में देख सकते हैं। एंड ये कुछ मामला है, राइट साइड में आए तो यहाँ पे इंजन किल स्विच, इग्निशन स्विच यहाँ देखने को मिल रहा है, पीछे की तरफ हैजर्ड लाइट का स्विच यहाँ पे जिस तरह से ये दिया गया, थोड़ा बहुत यहाँ पे भी डिज़ाइन में चेंज आप देख सकते हैं। तो मोटा मोटा ये कुछ चेंजेस यहाँ पर आपको इस रॉयल इनफील्ड की ऑल न्यू हिमालयन में देखने को मिल रहे हैं। एंड जो इंजन है इसका दैट इज़ नॉट बीइंग कॉल्ड 452, उसका नाम शेरपा 450 है। तो ये कुछ चेंजेस यहाँ पर इसमें देखने को मिल रहे हैं। बहुत सी डिटेल्स अभी फिलहाल इस वीडियो में बता नहीं पा रहे हैं क्योंकि एम्बार्गो है। 7 तारीख को एक वीडियो अलग आएगा जहाँ पर स्पेसिफिकेशंस वगैरह आपको इस बाइक के बारे में देखने को मिलेंगी। एंड 10 तारीख को एक वीडियो अलग से आएगा जहाँ पर इस बाइक का आपको फुल डिटेल रिव्यू टाइम्स राइट के सभी हैंडल्स पर देखने को मिलेगा। सो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस ऑल न्यू रॉयल एनफील्ड हिमालयन? टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।